हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। और आज हम आपको दिखा रहे हैं फ्रंट गार्डन में हमने कौन कौन से काम किए हैं, वो आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत फूल खिला है इसमें। और ये एक और ये कली है, बहुत सुंदर। विंटर्स में तो खूब इसी तरह से बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने गार्डन में यहाँ से मैंने वो मैक्सिकन पिटूनिया हटा दिए हैं, और जो गुड़हल मैंने लगाए थे वो, और ये देखिए कचनार का भी फूल खिल गया है ये भी। और मैंने मैक्सिकन पिटूनिया यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। और ये देखिए लहसुनिया बेल भी हमारी बड़ी हो रही है, और ये आगे से ये टूट गई है, ये इसको हटाने में ये टूट गई है, और ये इसी के अंदर ही घुस के फैल गई है। और ये देखिए ये सारे प्लांट्स अच्छे से चल रहे हैं, ग्रो हुए हैं, जो कटिंग से वो भी अच्छे से ही चल रहे हैं। और ये देखिए फूल खिल गया है इसमें, इधर अभी कली बन रही है। और ये देखिए आलमंडा तो बहुत सारा खिला हुआ है अंदर अंदर सब, ये देखिए अंदर अंदर खिला हुआ है, क्योंकि उस साइड को ये घुमा हुआ है तो अंदर ही अंदर खिला हुआ है। और ये देखिए मधुकामिनी में फिर से कलियां बनने लग गई हैं, मैंने बस एक बार खाद दी थी, उसी के बाद से ये अपने आप ही ब्लूम कर रहा है। इसमें मैंने और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है। ये मैं हमारे एक दोरा भी कलियाँ बन रही हैं, चांदनी भी खिल रहा है, ये सिंगल वाला है, और ये हिबिस्कस लांटेन हिबिस्कस है, ये इसको यहाँ रख दिया, ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और ये सिंदूर वाला प्लांट भी मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया है। और मैक्सिकन पिटूनिया इस तरह से रख दिए हैं, इधर साइड में स्पेस नहीं था तो दो मैंने ये यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। और ये देखिए ये भी सब बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और बाहर रोज़ भी खिल रहे हैं सारे, और ये भी अब अच्छे से हो गई हैं थोड़ी बहुत। ये वाला तो बिल्कुल गायब हो गया, ये देसी वाला है, वो वाला हुआ ही नहीं, लगा तो मैंने दिया था, लग रहा अब ये छोटा छोटा आने वाला है। और ये पीकॉक का जो शेप दिया था मैंने, ये भी अब इनकी भी खूब अच्छी ग्रोथ हो गई है, इसको भी हमें ऐसे बांध के और एक्स्ट्रा कट करना होगा, शेप देना होगा इसे भी। और ये देखिए मुसंडा आफ्टर रिपोर्टिंग अच्छे से ग्रो हो रहा है, और ये न्यू फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। यहीं पे मैंने ये वाइट वाला भी रख दिया, यहीं पे रेड भी है। और ये जो फ्री के हमें मधुकामिनी मिल गए थे प्लांट, इनको भी मैंने यहाँ पे धूप में ही रख दिया है। और इसमें ये मैंने कटिंग लगाई थी गुमफरीना की, ये भी ग्रो हो गई है। अभी कल मैंने बहुत सारा काम किया यही सारा, और ये इसकी अभी कटिंग करनी रह गई है, इसको भी कटिंग कर देंगे। और काम तो चलते रहते हैं दोस्तों। और ये मैंने डबल चांदनी भी मैंने रिपोर्ट कर दिया था, छोटे से उसमें था गिलास में कटिंग ग्रो हो गई थी अच्छे से, तो मैंने इसको भी ये नर्सरी वाला पॉली बैग अभी दिया है, क्योंकि मेरे पास अभी पॉट नहीं है, तो इस वजह से मैंने पॉली बैग दे दिया कि थोड़ी बहुत तो इसको स्पेस मिल जाएगी। ये छोटे से ग्रो बैग में था, इसको भी हमने नर्सरी का मतलब ये जो पॉली बैग है ये वाले बड़े साइज़ के हैं, तो आसानी से ये ग्रो होते रहेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। अभी फिर जब पॉट होगा तब फिर रिपोर्ट कर देंगे। और ये देखिए मेरे कनेर देसी वाले ऊपर से पिंच करने के बाद कितने घने हो गए हैं, ये इस तरह से। मैं सोचा चलिए आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का
दूर करवाती हूँ। उस वाली चांदनी को हटाने के बाद देखिए अब इसमें ग्रोथ होती है या नहीं, कैसे होगी। लगा तो दिया मतलब ये, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। और ये वाला भी कनेर है, इनको अभी मैं छत पे नहीं रख रही हूँ, नहीं छत पे आपको लोगों को तो पता ही है बंदर नोच के डाल जाते हैं और सारा प्लांट ही बेकार कर देते हैं। अब ये देखिए बेल यहाँ तक आ गई है, फूल भी खिले हैं ये देखिए। और ये जो स्पेंड हो जाते हैं फ्लावर्स, इनको ज़रूर हटा दें वरना शीट बनने शुरू हो जाते हैं। मैं अभी बीच में मैं हटा नहीं पाई तो फौरन ही शीट बन जाते हैं, बहुत जल्दी ये शीट तैयार करने लगता है। फिर उसमें क्या होता है, ग्रोथ और ब्लूमिंग सब जो है रुक जाती है। इसको यहाँ से हमें बार बार घुमाना पड़ता है, कहीं ये किसी के ऊपर ना आ जाए। इस तरह से अब देखिए अंदर पूरा अच्छे से धूप वगैरह भी सब जा रही है। ये जो है परसों रोड तक आ गई थी, उसी में मैंने घुमा दी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितने अच्छे से अपराजिता ब्लूम कर रही है, वो अच्छे से फूल खिल रहे हैं बढ़िया से। और ये देखिए पर्सलिन बाहर ये होल से बाहर ही आ गई है। और ये देखिए ये हमारा जो बेला है, बेल वाला है, ये देखिए बेल जो है कहाँ पे आ गई है। ये देखिए बेला के फूल खिले हुए हैं, ये देखिए। दोस्तों अच्छा लगा हो मेरा अरेंजमेंट और सब मेरा गार्डन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और ये विंका मैंने सारे इधर एक लाइन से मैंने सेट कर दिए हैं, यहाँ से सारे प्लांट्स मैंने हटा के बाहर फ्रंट गार्डन में कर दिए। और इधर देखिए इधर मैंने ये टोपियारी सामने रख दी और इधर भी विंका ही है इस तरह से। और इधर उधर गुल मेहंदी मतलब बालसम के प्लांट रख दिए हैं। ओके फ्रेंड्स बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।